दोस्तों नमस्कार, घरेलू चिकित्सक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश शर्मा। आज हम बात करेंगे शुगर की बीमारी की। दोस्तों शुगर की बीमारी आजकल एक आम बीमारी बन गई है। दोस्तों ये बीमारी खत्म तो नहीं की जा सकती, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है और आम जिंदगी जिया जा सकता है। दोस्तों उसके लिए आज मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप इसे कंट्रोल में रख सकते हैं और एक आम जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे भी इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों आइए जानते हैं पहला नुस्खा। दोस्तों पहला नुस्खा है करेले का। दोस्तों 2-3 करेले आप लें और उसका बीज निकाल कर अच्छी तरह से उसको पीस लें और उसका जूस निकाल लें। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा पानी मिलाकर खाली पेट इसको पी लें, इससे डायबिटीज़ कंट्रोल में काफ़ी मदद मिलती है। तो आइए अब जानते हैं दूसरा नुस्खा। दूसरा नुस्खा है आंवले का। 3-4 आंवले लेकर उसका बीज निकाल लें और उसे अच्छी तरह से बारीक पीस लें। उसके बाद उसे किसी महीन साफ कपड़े में लपेटकर उसका रस निकाल लें। उसके बाद थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको पी जाएं, इससे भी डायबिटीज़ कंट्रोल में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और दोस्तों आम और जामुन के पत्तों से भी डायबिटीज़ कंट्रोल किया जा सकता है। पहले जामुन के पत्ते लें, उसको बारीक अच्छी तरह से पीस लें और उसको सुबह शाम पानी के साथ सेवन करें, इससे भी डायबिटीज़ कंट्रोल होती है। या आम के 10 पत्ते लें, उसे 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और रात भर भीगा रहने के बाद सुबह पत्ते निकाल कर उसका पानी पी जाएं, इससे भी डायबिटीज़ कंट्रोल में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। और आगे है एलोवेरा। एलोवेरा से भी आप डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। एलोवेरा के पत्तों के गुदे निकाल कर उसका रस निकाल लें और उसको पी लें, इससे भी डायबिटीज़ कंट्रोल में मदद मिलती है। या फिर आप उसके गुदों की सब्ज़ी बनाकर खाएं, उससे भी आपको डायबिटीज़ में बहुत फायदा। दोस्तों गेहूं के ज्वारे से भी आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। गेहूं हम बोते हैं तो उसके पत्तियां निकल आती हैं, तो उसको गेहूं का ज्वारा कहते हैं। दोस्तों इसकी पत्तियों का रस निकाल कर आप पिए तो इससे भी डायबिटीज़ कंट्रोल होती है। दोस्तों गेहूं का ज्वारा 7-8 दिन का होना चाहिए, इससे शरीर को ताकत भी मिलती है। और दोस्तों अगला नाम है मेथी दाना। आप मेथी दाना से भी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि रात को 2 चम्मच मेथी दाना लेना है और उसको 1 गिलास पानी में भिगो देना है। उसके बाद रात भर भीगने के बाद सुबह आप उठें और खाली पेट उसको चबा चबा कर मेथी दाना को खा लें और उसके बाद ऊपर से वो पानी जो है उसको पी जाएं, उससे डायबिटीज़ कंट्रोल होने में बहुत मदद मिलती है। दोस्तों आखिरी नुस्खा है दालचीनी पाउडर का। आप दालचीनी से भी डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर लेना है और उसको 1 गिलास पानी के साथ सुबह के समय लेना है, इससे डायबिटीज़ कंट्रोल में बहुत मदद मिलती है। दोस्तों ध्यान रखें कि आपको अगर शरीर में गर्मी महसूस हो तो इसकी मात्रा कम कर दें। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आगे भी इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।